हेल्प ना हो पाती अगर तो मुझे पीछे से बैकेंड से सपोर्ट ना मिलती मेरी फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की और मेरे भाइयों की। सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे बड़े भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे मेल डोमिनेंट ज़्यादा होती है बजाय इसके कि फीमेल डोमिनेंट कम होती है। तो उनका हमेशा से ये सपोर्ट रहा है कि अगर आप कर सकते हो तो करो। बहुत सारे लोग आपको ये कहने वाले होते हैं कि यू आर रॉन्ग, वहीं पे आपके भाई या वो इंसान जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है उसको आप पे बिलीव होता है कि भाई मुझे इस बंदे पे बिलीव है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता या ये जो है हमारे ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकता। ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मिला, इस जो है वो कंपनी में मिला, अराजी एडवाइजर्स में। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको कोई फिक्र नहीं होती कि यार मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रही हूँ जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती। इट्स लाइक फैमिली। सेकेंड थिंग ये कि सोशल मीडिया कभी भी इतना परफॉर्म ना कर पाता अगर तो तलहा की मेरे साथ कोऑर्डिनेशन ना होती या तलहा की सपोर्ट ना होती। एक चीज़ होती है कि आप एक चीज़ सोच रहे हैं, मेरा काम है कंटेंट बनाना, मेरा काम है शेड्यूल करना, मेरा काम है एक चीज़ को सोचना, उस चीज़ को, उस तस्वीर को बनाना, क्रिएट करना, ये सारा काम तलहा उस चीज़ को समझता और करता है। इस सारी चीज़ में ना सिर्फ तलहा ने बींग अ डिपार्टमेंट पार्ट, बींग अ टीम मेंबर मेरा साथ दिया, बल्कि हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में से अली हसन ने पीआर हो, लाइव सेशंस करने हो, कैमरा पकड़ना हो, माइक पकड़ना हो, इंटरनेट नहीं है इंटरनेट की फैसिलिटी देना, अली हसन ने मेरा बहुत साथ दिया है, तलहा ने बहुत सपोर्ट किया, तभी जाके जो है मैंने इस जो है ना पोजिशन को अचीव किया दैट आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ।